हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पराग पाल एंड वेलकम बैक मेरे इस नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रिज एंड कल्वर्ट के बारे में। सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिसका नाम पराग पाल है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को और मेरे एंड्रॉइड एप्स को विजिट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अभी आपको पता है कि ब्रिज और कल्वर्ट का मीनिंग जानना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सिविल इंजीनियरिंग ब्रिज और कल्वर्ट ये बहुत दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। ओके, तो कल्वर्ट क्या होता है? कल्वर्ट ये नथिंग बट जो आपका रोड सरफेस होता है उसके नीचे जो सैनिटरी के लिए, जो सीवेज के लिए जो प्रोवाइड किया जाता है पैसेज, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? कल्वर्ट। ओके, दूसरा ब्रिज मतलब क्या होता है? ब्रिज इज नथिंग बट एक ऐसा स्ट्रक्चर जो रिवर के ऊपर बनाया जाता है, रेलवे के ऊपर बनाया जाता है, ताकि लोगों को एक पैसेज प्रोवाइड कर मतलब पैसेज बना दिया जाए आने जाने के लिए ओवर द ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, मतलब ये दोनों भी चीजें ऑब्स्टेकल्स के लिए ही, ऑब्स्टेकल्स को डिटोरेट करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, लेकिन इनका जो यूज है वो अलग अलग चीजों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रिज की हम प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग में क्या होता है। In civil engineering, bridge is formed to provide the passage to the people and vehicle over the large water or obstacles. मतलब large water surface हो या obstacles हो, उसके ऊपर से अगर आपको passage provide करना है, तो उसके लिए हम bridge construct करते हैं। ठीक है, वही हमारा जो culvert है, उसका क्या use होता है? वो बताते हैं। Culvert are used primarily to all the water across physical obstacles. ठीक है, मतलब जो कल्वर्ट जो होती है, वाटर जो रहता है, ओके, जो वाटर या सैनिटरी वेस्ट रहता है उसको प्रोवाइड करने के लिए, उसके लिए पैसेज प्रोवाइड करने के लिए क्रिएट किया जाता है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको समझ में आई ना। अभी पहली बात मतलब ये ब्रिज स्पैन लेंथ क्या होती है। देखो, ब्रिज में क्या होता है ना, एक साइड में जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे डायग्राम निकाल लिया, आप उस डायग्राम पे देख सकते हो, यहाँ पे ये है अबटमेंट। ओके, इसको कॉल्ड एज अबटमेंट। जो भी ब्रिज के एंडिंग के पोर्शन रहते हैं उनको अबटमेंट बोला जाता है, और इंटरमीडिएट जो रहते हैं उनको पियर बोला जाता है। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा बोला है, मतलब जो इंपॉर्टेंस है, ब्रिज स्पैन लेंथ इज 6 मीटर, मतलब ब्रिज की मिनिमम स्पैन लेंथ जो रहती है वो 6 मीटर रहती है, और ज्यादा से ज्यादा 6 से ज्यादा रहेगी, वो कितनी भी रह सकती है। ओके, बट अगर आपको ब्रिज कहलाना है तो वो मिनिमम 6 मीटर रहना चाहिए। ठीक है, चलो मान भी लिया कि 6 मीटर ब्रिज की लेंथ है, लेकिन ये 6 मीटर वाला ब्रिज कौन सा हो सकता है, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, सबसे अच्छे चीज में बता सकता हूँ कि आर्च ब्रिज जो रहते हैं या सिंपल ब्रिज जो रहते हैं, टिम्बर के जो रहते हैं, ओके, स्टील के जो नॉर्मल ब्रिजेस रहते हैं, वो रहते हैं 6 मीटर स्पैन के लिए, एकदम नॉर्मल से प्रोवाइड कर रहे हैं पैसेज प्रोवाइड करने के लिए। एक छोटी सी रिवर है उसके ऊपर से पैसेज प्रोवाइड करना, तो 6 मीटर का मिनिमम, या फिर कॉन्क्रीट का भी बनाया जाता है, ओके, लेकिन वो बहुत बड़ा नहीं होता है, एकदम छोटा सा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिजेस क्या है। ओके, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि देयर आर वेरी टाइप्स ऑफ ब्रिजेस। फर्स्ट है ट्रस ब्रिज। ट्रस का यूज करके, मतलब आपके ट्रस सेक्शन है उनका यूज करके हम ब्रिज बनाते हैं। दूसरा है सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है? आपके साइड में 2 पायलॉन रहते हैं जिनको हम कॉलम भी बोलते हैं। ओके, तो कॉलम को ही पायलॉन बोला जाता है। उसके ऊपर से एक सस्पेंडेड ऐसा एक ये रहता है, हम जिसको बोलेंगे एक टेंडन रहता है, वो जो रोड को है वो पकड़ के रखता है वर्टिकल टेंडन का यूज करके। ठीक है, उसको सस्पेंशन ब्रिज बोलते हैं। सिंपली सपोर्टेड ब्रिज मतलब आपके दो, मतलब जो नीचे आपका सिंपली सपोर्टेड रहेगा और ऊपर एक डेक आपका रोड रहेगा। ओके, केबल स्टे ब्रिज मतलब क्या होता है कि एक ही पायलॉन रहता है और वो पायलॉन रोड टैग को टेंडन से पकड़े रहता है, उसको बोलते हैं केबल स्टे ब्रिज। तो इन सारे की मैं बाद में आपको एक्सप्रेशन बताऊंगा किस तरीके रिएक्शन आती है, किस तरीके से रिएक्शन जाती है। ओके, कैंटिलीवर ब्रिज मतलब क्या होता है? ये तो आपके कॉलम है, ओके, पर्टिकुलर डिस्टेंस तक आपका कंस्ट्रक्शन आ गया, तो बीच में हम क्या लगाते हैं? सस्पेंडर लगाते हैं, तो उस टाइप के ब्रिज को बोलते हैं कैंटिलीवर ब्रिज। आर्च ब्रिज क्या होता है? नंबर ऑफ मल्टीपल आर्च अगर आप ज्वाइन करते हो एक आर्च, ठीक है, आर्च मतलब आपकी एक आर्च, अच्छा मल्टीपल आर्च अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये लॉन्ग स्पैन ब्रिज बना सकते हैं। ठीक है, एशियन मतलब पुराने काल में आर्च ब्रिज ज्यादा बनते थे, ओके, और वो सिमेट्रिकल रहते हैं। तो ये कैटेगरी क्लासिफिकेशन है ब्रिज की, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिजेस और बहुत सारे हैं, वो भी आपको मैं बताऊंगा बाद में।
नाउ अभी ये भी जानना इम्पोर्टेंट है कि ब्रिज का यूज किसके हिसाब से किया जाता है, राइट? तो जो ब्रिज का यूज है ये तो टेम्पररी ब्रिज के जैसा यूज कर सकते हैं, जैसे कि खेती में, जंगलों में बनाते हैं लोग, ओके? परमानेंट, जैसे आपके परमानेंट रहते ब्रिजेस, ओके? हाईवेज एंड हॉलवे, हाईवेज के ऊपर फ्लावर्स वगैरह जाते हैं, वो परमानेंट हो गए। उसके बाद सर्विस या आर्मी, ठीक है, आर्मी के लिए जो ब्रिज बनाए जाते हैं सिर्फ परमानेंट लाइफ, टेम्पररी लाइफ के लिए, मतलब यहाँ से उधर जाना है, आर्मी को लेके जाना है, तो ठीक है, तो उनके पास पूरे मटेरियल होते हैं जो आर्मी खुद का यूज कर, खुद के सारे बंदों को यूज करके वो ब्रिज बना सकते हैं, ठीक है? जैसे आप चाइना के कुछ वीडियो देखते होंगे, डिफरेंट डिफरेंट वीडियो देखते होंगे, इंडियन आर्मी के वीडियो देखते होंगे, बहुत सारे ऐसे अलग अलग वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है जिनका यूज, जिनका आप देख सकते हैं इस आर्मी के ब्रिज कैसे रह सकते हैं। ओके, नाउ फोर्थ टॉपिक है, ब्रिज कैन बी मेड अप फ्रॉम द मटेरियल। नाउ हमें ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि ब्रिज के मटेरियल कौन कौन से रहते हैं, ब्रिज सिर्फ कॉन्क्रीट का ही बनता है या स्टील का ही बनता है? देखो, ब्रिज तो ये स्टोन का भी बनता है, ठीक है, स्टोन ये मटेरियल का यूज करके हम ब्रिज बना सकते हैं, ब्रिक का भी यूज करके हम ब्रिज बना सकते हैं, टिम्बर इस मटेरियल का यूज करके भी हम ब्रिज बना सकते हैं, स्टील का यूज करके भी हम ब्रिज बना सकते हैं, कॉन्क्रीट का भी यूज करके हम ब्रिज बनाते हैं, कंपोजिट यानी कि प्रेस मटेरियल यानी कि स्टील प्लस कॉन्क्रीट का यूज करके भी हम स्टील बनाते हैं, एल्यूमिनियम का भी यूज करते हैं और फाइबर्स का भी यूज करते हैं। तो ये सारे मटेरियल्स हैं जिनका यूज करके हम ब्रिज बना सकते हैं। नाउ अभी सबसे पहले क्लासिफिकेशन करना जरूरी है कि मेजर ब्रिज किसको बोलेंगे, माइनर ब्रिज किसको बोलेंगे, लार्ज ब्रिज किसको बोलेंगे। तो जो मेजर ब्रिज है, सबसे पहले माइनर के बारे में बात करेंगे। अगर आप माइनर ब्रिज के बारे में बात करेंगे तो ध्यान में रखिए, माइनर ब्रिज की जो लेंथ है वो 6 मीटर से लेके 60 मीटर तक होनी चाहिए। अगर आप माइनर ब्रिज किसी ब्रिज को बोलते हो तो माइनर ब्रिज की जो लेंथ है 6 to 60 मीटर तक होनी चाहिए। अगर वही मेजर ब्रिज के बारे में बात करो तो स्पैन लेंथ इज मोर देन 60 मीटर होनी चाहिए, ठीक है? और अगर लार्ज स्पैन ब्रिज के बारे में मैं बात करता हूं तो जो ब्रिज की लेंथ है वो 120 मीटर से ज्यादा रहनी चाहिए। मतलब माइनर ब्रिज 6 to 60, मेजर ब्रिज 60 to 120 और लॉन्ग स्पैन ब्रिज 122, वॉट एवर दे वांट, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एक डायग्रामेटिक का रिप्रेजेंटेशन बनाया है जिससे मैं आपको एक ब्रिज की छोटी सी आइडिया में आपको दे सकूं। यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले मैंने नीचे पाइल कैप, जो पाइल्स लगाई है, ओके, फाउंडेशन में, उसके ऊपर हमने पाइल कैप लगाई है, उसके ऊपर ये पियर है, सिमिलरली अबटमेंट भी इधर है, ओके? जो एंडिंग में रहते हैं ब्रिज के उनको अबटमेंट कहा जाता है, जो इंटरमीडिएट रहते हैं उनको पियर्स कहा जाता है, ठीक है? तो नीचे पाइल्स है, ऊपर पाइल कैप लगाई है, उसके सेंटर से हमने मेन फाउंडेशन मतलब पियर खड़ा किया है, यहाँ पे अबटमेंट खड़ा किया है, और उसके ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मैंने ग्रीन एक लाइन मारी है उसको बोलते हैं बियरिंग्स। बियरिंग्स का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ब्रिजेस में, ताकि आप ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल जो भी मूवमेंट्स है उनको डिले कर सके। उसके बाद ऊपर हमने प्रोवाइड किए हैं डेक स्लैब, ओके? यहाँ पे ये जो है ये डेक स्लैब है, उसके नीचे पहले लॉन्गिट्यूडनल गर्डर्स भी है, ओके? ट्रांसवर्स भी गर्डर्स है। गर्डर्स मतलब क्या होता है, बीम को ही गर्डर्स कहा जाता है, लेकिन गर्डर मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा लोड लेता है, ओके? बीम क्या करता है, बहुत छोटा लोड लेता है, गर्डर्स क्या लेता है, बहुत ज्यादा लोड लेता है, ओके? इसलिए उनको बोला जाता है। उसके बाद हमने स्लैब प्रोवाइड किया है, उसके ऊपर हमने वियरिंग कोर्स प्रोवाइड किए, वियरिंग कोर्स के ऊपर हमने क्या प्रोवाइड किया, यहाँ पे केम्बर प्रोवाइड किया, केम्बर का यूज, डेक स्लैब का यूज, वियरिंग कोर्स का यूज, ये ब्रिज के टेस्टिंग के लिए बहुत काम में आता है, ठीक है? तो ये बाद में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे कर्व भी प्रोवाइड किया है, कर्व के कुछ स्टैंडर्ड्स है जो भी आपको मैं बात के आने वाले वीडियोज में बताऊंगा, ठीक है? तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर रहता है ब्रिज का, ठीक है? आई होप कि आपको ये ब्रिज का कंसेप्ट समझ में आया। नाउ अभी हम कल्वर्ट के बारे में बात करेंगे। कल्वर्ट की स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऐसी है, कल्वर्ट आर यूज्ड प्राइमली टू ऑलर ऑफ वाटर अक्रॉस फिजिकल ऑब्स्टेकल्स, ओके? कल्वर्ट स्पैन इज लेस देन 6 मीटर। कल्वर्ट का जो सबसे कम स्पैन है वो 6 मीटर का रहता है, ठीक है? मतलब कल्वर्ट क्यों 6 मीटर बोला है, ठीक है? और एक्चुअली क्या होता है, आपका जो रोड का विड्थ रहता है उसके हिसाब से ही कल्वर्ट बनाया जाता है, ओके? जितना रोड है उतना ही आपका क्या रहेगा, कल्वर्ट रहेगा, ओके? इसलिए उसको 6 मीटर मिनिमम बोला है, ओके? लेस देन 6 मीटर, ओके? नाउ कल्वर्ट इज डिजाइन फॉर अ हाइट लेस देन 20 फीट, ओके? जो कल्वर्ट की हाइट रहती है ये लेस देन 20 फीट तक ही रह सकती है, उससे ज्यादा नहीं जाती है, ओके?
नाउ अभी टाइप ऑफ कलवर्ट कौन कौन से, एक तो स्लैब कलवर्ट है, दूसरा बॉक्स कलवर्ट रहता है, तीसरा यू पाइप कलवर्ट या फिर पाइप कलवर्ट बोलते हैं। ओके, स्लैब कलवर्ट मतलब क्या होता है, ये आपका पहले एक कलवर्ट बनाया जाएगा, उसके ऊपर एक स्लैब डाला जाएगा, उसको बोलेंगे स्लैब कलवर्ट। बॉक्स कलवर्ट मतलब एक ओवरऑल टोटल एक बॉक्स बनाया जाएगा, और ह्यूम पाइप मतलब एक पहले एक बॉक्स बनाएंगे, उसके अंदर से ह्यूम पाइप डालेंगे, तो उसको बोलेंगे पाइप कलवर्ट। ठीक है, हाईवे के कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले कलवर्ट का ही कंस्ट्रक्शन होता है, उसके बाद ही आपका रेस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन होता है। अगर मैं आपको प्लानिंग बताऊं तो हाईवे की, तो कैसे होगा, देखो सबसे पहले आपका एग्जिस्टेंट जो रोड है उसको पहले एक्सकैवेट करेंगे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। सबसे पहले जो कलवर्ट है उनकी लोकेशन डिटरमाइन करके वहां पे पहले कलवर्ट बनाएंगे। कलवर्ट बनाने के बाद उसके ऊपर सबसे पहले क्या बनाएंगे, जीएसबी डालेंगे, फिर डब्ल्यूएमएम डालेंगे, फिर डीबीएम डालेंगे, बाद में बीसी डालेंगे। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक डायग्राम निकाल के रखी है कलवर्ट की। तो ये हो गया आपका रोड, ओके, ये हो गया आपका केम्बर, जो कि मैंने एग्जैक्ट नहीं निकाला है, नॉर्मल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए निकाला है। ये हो गया आपका पीसीसी, ठीक है, इसके नीचे पूरा स्ट्रक्चर है, सॉइल स्ट्रक्चर है, सबस्ट्रक्चर, ओके, ये है आप, ये हो गया आपका कलवर्ट, दोनों जॉइंट रहते हैं बीच में पाइप से, या फिर ओपन रहता है या फिर जॉइंट रहता है। ओके, ये जो है इसको बोलेंगे हंच, ओके, ये जो आपको क्रॉस दिख रहे हैं इनको हंच बोलते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले आप एक्सकैवेट करेंगे, उसके बाद पीसीसी ले करेंगे, एलसीएम और एचआरसी मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। कलवर्ट जो रहता है एक साथ कंस्ट्रक्ट नहीं होता है, कलवर्ट हमेशा सबसे पहले LHS में होगा या फिर RHS में होगा, दोनों में से एक साइड में पहले होगा। तो सबसे पहले मैं पीसीसी यहां तक डालेंगे, उसके ऊपर वॉल और हंच को एक साइड कास्ट करेंगे यहां तक, उसके बाद स्लैब को कास्ट करेंगे। सिमिलरली प्रोसेस यहां पे होंगे और इनको जॉइंट करेंगे और इधर से इनका ऑलो करेंगे आउटलेट एट पर्टिकुलर लेवल पे, ओके, जहां पे भी उसको आउटलेट देना है। तो इस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन रहता है, और ये जो कलवर्ट है ये ग्राउंड के नीचे रहता है। ओके, बहुत सारी जगह पे बहुत सारी कंपनी ऐसे होते हैं जो कि कलवर्ट जमीन के ऊपर में बनाती है, वो बिकॉज एज पर द कंडीशंस रहता है, क्योंकि वहां पे आपका कुछ फिलिंग आने वाला होता है या फिर कुछ ड्रेनेज वर्क की वजह से आपको कलवर्ट ऊपर से देना होता है, या फिर ड्रेनेज का लेवल कुछ हाई होता है, तो उस सारी वजह से वो चीजें होती रहती है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल का नाम पराग पाल है यूट्यूब पे, ओके, और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वेबसाइट को विजिट कीजिए, और मेरे एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये नोट्स आपको मेरे वेबसाइट पे मिलेंगे, प्लीज वहां पे जाके आप देख सकते हैं। ये वीडियो हिंदी में बनाया है, इस तरीके से मैं इंग्लिश में भी ये वीडियो डालने वाला हूँ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड डे।